सोच रही हूँ बहू के लिए ये साड़ी अच्छी रहेगी। ये रंग तो बहुत खिलेगा बहू पर। हाँ माँ, बहुत अच्छी आपकी चॉइस। मासी जी, इस साड़ी के अलावा कोई दूसरी साड़ी नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि भाभी ऐसी साड़ी कहाँ पहनती है? नहीं नहीं बिंदिया भाभी, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। माँ ऐसा करते हैं, इस पर हम एक चौड़ा सा बॉर्डर लगवा देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ एक सुंदर सी लेस, आजकल बहुत फैशन में है और फंक्शन से भी बहुत अच्छा लगेगा। किस फंक्शन की बात चल रही है? वो भाभी अब वैसे माँ शादी के बाद तो अब रश्मि को भारी भारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहननी पड़ेंगी। कभी कोई फंक्शन होगा, रस्म होगी या फिर कहीं खाने पे जाना पड़ेगा। ठीक कह रही है, इस पे आप ना मोटी सी कोई अच्छी गोटे वाली लेस लगवा दीजिए। रश्मि बेटा, ये साड़ी संभाल के रख दे, दाग ना लग जाए। जी माँ। माँ आप कहें तो मैं करवा दूँ? नहीं नहीं बहू, हम कर देंगे, हो जाएगा। टिब्बा बन गया क्या? हाँ भाभी माँ, टिब्बा तो बन गया, नैतिका भी जाएंगे तो ले जाएंगे। अच्छा ठीक है भाभी माँ, हमें भी निकलना चाहिए, अपने काम पूरे कर लें। हाँ, तो दादाजी ने हमें ही कहा है करने को। क्या माँ? रश्मि के ब्याह के काम है, सोचा वो कराए। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी चलती हूँ, मदद हो जाएगी। नहीं बहू, तुम घर में ही रहो, घर में भी तो किसी को होना चाहिए। ले रश्मि। क्या हुआ राकेश? पता नहीं सर, सब चेक कर लिया, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे? राकेश मेरे ख्याल से तुम मैकेनिक को बुला लो। ठीक है सर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं नैतिक? आप ऑफिस नहीं गए? अच्छा वो गाड़ी नहीं चल रही है। अच्छा ये देखिए, आपने अपनी शर्ट पे भी दाग लगा लिया। हाँ सुबह से सब गड़बड़ी हो रहा, ऑफिस के लिए भी लेट हो गया। हाँ नैतिक, आज कुछ भी ठीक होता नहीं लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों। क्या हुआ? नैतिक मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे जैसे सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हों। नहीं नहीं अक्षरा, आप ऐसा क्यों सोच रही? कोई बात तो है नैतिक, शायद माँ मुझसे अभी भी नाराज है, वो रश्मि वाली बात को लेकर। अक्षरा माँ जानती है कि आपकी गलती नहीं थी, आप बेकार में इतना टेंशन ले रही, वो सारी बातें भूल जाइए। चलिए कार स्टार्ट करने में मेरी मदद कीजिए। मैं? हाँ जाइए कार स्टार्ट कीजिए। हो गई। थैंक यू, आपका हाथ लगते ही तो जादू हो गया। मैंने क्या किया? आपने ठीक किया है गाड़ी। किसी ने भी किया, गाड़ी तो ठीक हो गई ना। लेकिन बात तो यह है कि अंत भला तो सब भला। राकेश से कह दीजिएगा बाऊजी को ले आए। बाय। बाय। आपने तो अक्षरा को सब गिफ्ट दे दिए, अब मैं क्या दूं? उसे तो हमेशा से ही मेरे कंगन अच्छे लगते थे, तो मैं उसे वैसे ही कंगन दे रही हूँ। और कान्हा तो उसे बचपन से ही बहुत पसंद है। कौन सा गाना गाती है? ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ता।
ये क्यों बना रही है दीदी? जब अक्षरा आएगी ना और ये देखेगी तब तुम समझोगी कि मैं उसके लिए ये क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। अक्षरा, तेरा बर्थडे गिफ्ट अब सरप्राइज ही रहेगा। चलिए चलिए, अब आप सब लोग मिलकर अक्षरा को बर्थडे विश करें। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुरानी, बाहर कोई आदमी आया है। कह रहा है कब सोने चांदी वाली दुकान से आवा। सोने चांदी? हाँ मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो मुनीम जी। हाँ जी जी, मैं डिजाइन्स का वेट कर रहा हूँ, कब तक भिजवा रहे हैं आप? डिजाइन नहीं मिली आपको? नहीं। अच्छा, मेरा आदमी पहुंच ही रहा होगा। एक घंटे पहले ही निकला यहाँ से। एक घंटे पहले निकला? लेकिन आपके यहाँ से आने में तो 15 मिनट लगते हैं। उसको सही पता तो दिया ना आपने? पहुंच जाएगा सर। हा? वो पहले भी आपके घर जा चुका है। घर? आपने उसे घर भेज दिया? मुनीम जी ने भेजा। अच्छा, हाँ नैतिक। नैतिक, वो आपके लिए कोई आया है गहने लेकर। क्या कह रहे हो? यही कि ये आपके लिए है। हाँ, आपने देखा है क्या? नहीं, देखूं क्या? वैसे क्या है इसमें? नहीं नहीं अक्षरा, वो हमारे क्लाइंट को देखने हैं। पता नहीं वो वहाँ क्यों चले गया। यहाँ पर मीटिंग है ना, तो उन्हें डिजाइन दिखाने हैं, उसमें सैंपल्स हैं। आप उसे फौरन ऑफिस भेज दीजिए, मैं भी उसका कब से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। आप इसे यहाँ क्यों ले आए? इसे ऑफिस ले जाइए। पर मुझे तो बोला था उनके घर पे देना है। जो भी है, अभी आप इसे ऑफिस ले जाइए, वहाँ सब लोग राह देख रहे हैं, नैतिक भी वेट कर रहे हैं। आप ऑफिस जाइए। ठीक। ये अच्छा माँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम लोग निश्चिंत तो होकर जाओ, धनिया है ना मेरे साथ। दीदी तैयार होगी? हाँ। अच्छा बेटा, सब रख लिया ना? चले। अच्छा बाय आंटी। बाय। रश्मि बेटा, भाभी कहाँ है तेरी? माँ, भाभी कमरे में है। भाभी माँ, बिंदिया। अरे, इतनी सारी शॉपिंग कर दी। मेरी सासू माँ भी बिल्कुल मासी जी की तरह है। वो भी जब मेरे लिए शॉपिंग करने जाती है ना, तो जो जो पसंद आता है सब रख लेती है। मैं कितना भी मना करूँ मानती नहीं है। अच्छा बेटा, बातें बाद में करेंगे। महेंद्र, बेटा सारा सामान मेरे कमरे में रखवा दे। हाँ, वैसे तो राजश्री बहन के पास भेज सकती थी, लेकिन शमशेर को अभी जाना है और दूसरे ड्राइवर को दफ्तर से आने में समय लगेगा, तब तक मेरे कमरे में ही छुपा देते हैं। महेंद्र, चलिए ये सब रख देते हैं। ऑफिस से सजावट वालों को भी बुला लिया है। हाँ, अच्छा किया। ऐसा कर, राजश्री बहन को भी बुला ले, उनसे भी बात कर लेंगे। हम बात कर, वो लोग भी आ रहे हैं भाभी माँ। बस अब बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर भेजना पड़ेगा। हाँ। बेटा सुन, तेरी भाभी को शॉपिंग के लिए ले जा। बहू भी क्या सोचेगी, पहले साथ ले जाने से मना किया और अब बाहर भेज रहे। लेकिन मैं क्या करूं भाभी माँ, पर जब बहू को पता चलेगा तो खुश भी तो वही होगी। माँ, लेकिन मैं भाभी को क्या बोलकर लेके जाऊं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। बहू, क्या कर रही हो? अरे माँ, आप लोग आ गए? हाँ, लेकिन काम पूरे नहीं हुए। ये रश्मि के ब्लाउज देने थे जो रह ही गए। लो, ऐसा करो, दोनों जाओ और दे आओ। इसका माप अच्छी तरह से देना। ठीक है। आज ही कराओ ये काम बेटा, नहीं तो ब्लाउज बनने में समय लगेगा, शादी तक तैयार ही नहीं होंगे। ठीक है माँ,
मैं शाम को सबको नाश्ता कराने के बाद इसके साथ चली जाऊँ। नहीं बहू, नाश्ता तो हम करा सकते हैं, ये काम ज्यादा जरूरी है, तुम अभी जाओ। अभी ठीक है, अभी चलते। चलो रश्मि। जी जी, राशि बहन ने कहा है कि वो लोग पहुंच ही रहे हैं। चलिए अच्छा है, सजावट वाले आ जाएं बस। अब आ गए। आइए आइए। क्या क्या करना है मैडम? वो मैं आपको जगह दिखा देती हूँ, बताइए किस तरह सजाएंगे। हमारी बहू का जन्मदिन है इसलिए अच्छी सी सजावट करनी है। जल्दी से बातचीत कर ले छोटी दुल्हन, कहीं बहू रोशमि को लेकर वापस लौटना है। राजश्री बहन भी होती तो अच्छा होता, सुझाव दे देती। चलो तुम चलो। चलिए आओ। चलिए देखिए, सारे ब्लाउजेस आप ही को बनाने हैं, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होनी चाहिए। ऑल्टरेशंस के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ टाइम पे ही हो जाएगा। आप चलिए। चलो भाभी, एक मिनट भाभी, इसमें देखिए ना, और भी बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन है। रश्मि हमने देख तो लिया। हाँ भाभी, मुझे और देखने हैं। ये अच्छा है? रश्मि बहुत ओल्ड फैशन है, जो हमने डिसाइड किया है ना वही अच्छा है। भाभी मैंने बहुत अच्छी डिजाइन देखी थी, मैं आपको दिखाती। एक मिनट, कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है। आई वो सजावट वाला थोड़ी जल्दी में था, इसलिए हमें समझाकर चला गया। जी। कह रहा था यहाँ पर एक मेज लगाएंगे, उस पे केक वगैरह रखेंगे और यहाँ पे हरे और पीले पर्दे होंगे। अब कौन सा रंग आंटी जी? बेटा हरे और पीले क्यों? अब आंटी जी पिंक कलर के पर्दे लगाएंगे ना, पिंक कलर बहुत पसंद है। अच्छा चलो, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, इसीलिए मैं कह रही थी आप सबके आने का बहुत फायदा होता है। सुनो मौसी, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं क्या? या स्वीटी, चलिए आप लोग सब अक्षरा के लिए बर्थडे विश करिए। चलिए चलिए। आज छुट्टी हम शुरू कीजिए। जन्मदिन की बधाई हो। भाभी माँ, आप क्या सोच रही हैं? अक्षरा के लिए आप क्या करेंगी? भाभी माँ बहू के लिए हलवा बनाएंगी। ओह नो, प्लीज आप लोग प्लीज उस दिन खाना बनाने मत बैठ जाइएगा प्लीज। अरे खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे हम खाना ही बनाएंगे तो हो गया हमारा सेलिब्रेशन। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। ओह नो, हम केटरर रखेंगे ना, वो खाने का सारा अरेंजमेंट करेंगे, और वैसे भी हमें एंजॉय करने के लिए टाइम तो चाहिए, और अगर हम सारा काम करेंगे तो थक जाएंगे, फिर हम डांस कैसे करेंगे? क्या सुनो आंटी, डांस करेंगे? हाँ। नहीं नहीं सुनो दीदी, अब वो सब रहने दीजिए, वो क्या है कि आप तो जानती है ना, दत्ता जी भी होंगे। हाँ, और उन्हें बाहर का खाना भी नहीं पसंद आएगा। भाभी माँ सिर्फ एक दिन की तो बात है, मैं जमाई सा से बात कर लूँ और आप देखिएगा उनको मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। सुलोचना बहन, वो मुन्ना को तो अब तक कुछ पता ही नहीं, वो इतना व्यस्त था ना, बताने का अवसर ही नहीं मिला। छोटी दुल्हन, नंदिनी और जमाईसा को भी बुला लेते, वो पूछ रही थी कि बहू के जन्मदिन पर हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ भाभी माँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी मोहित जी के पास तो ढेर सारे आइडियाज रहते हैं। आइए ना बैठ कर चाय नाश्ता करते हैं, फिर आपको तोहफे दिखाती हूँ। आइए चलो। तुम भी ना रश्मि, इतना टाइम ले लिया और फाइनली डिसाइड वही किया जो हमने सबसे पहले देखा था। क्या कहूँ भाभी, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं है, होता है। भाभी हम लाल चौक की मार्केट चले? क्यों? वो मुझे हाई हील्स की सैंडल्स देखनी है, साड़ी पे हाई हील्स ही अच्छी लगेंगी ना। अभी? हाँ अभी, अब आए तो सब देख ही लेते हैं, आप मेरे लिए बेस्ट चूज कर लेना, माँ को तो हील्स पसंद ही नहीं है। अच्छा
एक मिनट हाँ, मैं देख लेती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। रश्मि तुमने पहले बोला होता ना तो मैं ज्यादा कैश लेकर आती। खैर कोई बात नहीं है, हम किसी एटीएम के पास रुक के पैसे निकाल लेंगे। किसी एटीएम पे ले चलो। अरे ओह नो, मैं तो अपने सारे कार्ड्स घर पर ही भूल गई हूँ। क्या? हाँ रश्मि, क्या करें? या फिर एक काम करते हैं ना, पहले घर चलते हैं, वहाँ से कार्ड ले लेंगे, या फिर किसी और दिन आ जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, घर क्यों जाना है, एक काम करते हैं, जाके सैंडल्स देख लेते हैं, फिर और कभी खरीद लेंगे, ठीक है? नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करना है, मुझे भी लाल चौक मार्केट जाना है, कुछ खरीदारी करनी है, सारा सामान ले ही आते, फिर कल। रश्मि आप घर चलो। क्या हुआ? वो भाभी गोलगप्पे तो खाए नहीं। नहीं नहीं रश्मि, तुम अभी बाहर का कुछ भी मत खाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है, तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अभी आप घर ही चलिए। आप लोग खाओ, हम आपके लिए और गर्मा गर्म पकौड़ी। नहीं नहीं महाराज जी, बस बहुत हो गया। अरे नाना ले खा लिया। आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आपको तोहफे दिखाती हूँ, कमरे में है सब। जी आई होप हाँ अक्षरा को सारे गिफ्ट पसंद आए। सुनो मौसी, आप क्या गिफ्ट लाई हैं? मैं यही प्रिपरेशन सीडी बना कर दूंगी, यू नो सरप्राइज। मौसी व्हाट अ सरप्राइज। जल्दी आ गए। माँ भाभी अपने एटीएम कार्ड घर पर ही भूल गई थी। तो कोई बहाना कर लेना था ना बेटा। माँ मैंने कहा कि अभी देख कर आते, चप्पल वगैरह बाद में खरीदेंगे। लेकिन वर्षा, अरे अनन्या कैसा है? आप सब लोग यहाँ ऐसे अचानक से? हाँ बेटा, बस वो ये कोई पूछने वाली बात होती है बहू, इनका ही तो घर है, जब चाहे आए, इन्हें अनुमति लेने की थोड़ी ना जरूरत है। नहीं नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। बातें हम बाद में कर लेंगे बेटा, जाओ हाथ मुंह धोआ। माँ मैं इसका डायपर चेंज कर देती हूँ, इसी बहाने उसे बातों में भी लगाए रखूंगी। हाँ ये ठीक है, जा जा। हाँ हाँ बेटा जाओ। अक्षरा को तो कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, भाभी का तो सरप्राइज अभी से ही शुरू हो गया। हाँ। लेकिन तू तो पूरी गड़बड़ कर देती, अभी पता चल जाता बहू को। माँ मेरी क्या गलती है? आप लोग मेरे कमरे में ही चलिए, बहू आ गई है तो यहाँ तो पैकिंग कर नहीं सकते। हाँ जी जी चलिए। आइए आइए आइए। सब लोग कैसे आ गए, कोई बात तो नहीं हुई है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।